कहते हैं छह बिस्मिल्लाह पांच सूरतें, जो बंदा भी पढ़े कहते हैं गारंटेड अमल है। ये लगता है कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी काम हो, फौरन टल जाए। छह बिस्मिल्लाह पांच सूरतें, और आप कहते हैं मुश्किल से मुश्किल सफर हो, पढ़ा और सफर आसान, पता ही नहीं चलता। और आप कहते हैं मैं जल्दी पहुंच जाता हूं और वक्त पे पहुंच जाता हूं। कहते मोहल्ले में एक बंदा दुबई जा रहा था, मैंने उसे छह बिस्मिल्लाह पांच सूरतों का अमल दिया। वहां जाके बंदों को अच्छे खासे कारोबार लगता है नहीं लगता? वो कहते हैं इसकी अमल की वजह से कोई दिन फारिग ही नहीं रहा, काम लगा रहा, रोजी रोटी मिलती रही। ये और छह बिस्मिल्लाह पांच सूरत, ये जिंदगी का जो सफर है इसकी वजह से है। ये मोटर का सफर, सड़क का सफर, गाड़ी का सफर, अच्छा जिंदगी की मुश्किलात का सफर, नाकामियों का सफर, परेशानियों का सफर, ये सारा तो इससे हल हो सकता है। क्या आखिरत के लंबे सफर इस वजीफे से हल नहीं हो सकता? सोचे तो सर। कहते हैं छह बिस्मिल्लाह पांच सूरतें पढ़ने वाले की वजह से मेरी जादू करने वालों से जान छूट गई। कहते हैं कि जो काम भी जा रहा है और किसी से उसकी जरूरत है, बस घर से पढ़ से निकले सही, फिर देखे होता क्या है। मुझे याद है यहां एक आदमी खड़ा था, यहां एक आदमी खड़ा था और कहने लगा कि मैं छह बिस्मिल्लाह पांच सूरतें रोजाना 250-300 दफा पढ़ता हूं और मेरा अल्युमिनियम का काम है, पता नहीं अब वो है या नहीं है। कहते हैं कि मैं लोगों के कोरोना कारोबार नहीं, मैं मानता हूं अल्लाह के वास्ते मेरे पास टाइम नहीं हो। कहते ना काम तो इससे कराना और मेरा काम खत्म होने का नहीं है। मुझे वो बंदा याद है, बंदा याद नहीं, यानी उसकी ये बात याद है। क्यों? इस अमल में एक ताकत है, इस अमल में एक तासीर है। यकीन से करने वाला, यकीन से करने वाला, यकीन से करने वाला और यकीन की ताकत के साथ लेकर चलने वाला ये अमल वो है जो उठा के निजाम आलम को मुआफिक बना दे। निजाम आलम को, सारा वर्ल्ड ग्लोबल जितना निजाम आलम है, अल्लाह पाक उसको माफ़ कर देगा।